दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे अतरंगी जानवरों की जो खुद तो कांड करते ही है लेकिन दूसरों को भी उसमें शामिल करवा ही देते हैं और ये नजारा काफी फनी नजर आता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के क्लिप दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखें। आजकल जमाना कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है क्योंकि जिस तरह से हम मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते थे उस तरह से जानवरों ने भी शॉपिंग में जाना शुरू कर दिया है। ये बात आपको अजीब जरूर लग रही होगी इसलिए आप इस वीडियो को देखें जिसमें ये डॉग भाई शॉपिंग बैग लेकर कुछ फल को लेने आया है जिसे ये दुकानदार कुछ फल दे भी देता है और उसे जाने के लिए कहता है लेकिन कुत्ता भाई को तो और ज्यादा फल चाहिए था जिस वजह से भाई ने खुद ही फल को उठाए और चुराते हुए वहाँ से निकल गया। बहुत भूख लगा है आजा। ए बाबा ये कितने का दिया? 20 रुपए दर्जन है। 20 रुपए ला बाबा ला। ए बाबा ए बहुत कम ले ले तो ले हा? नहीं तो फूट हा? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। भाग रे तेरा बच्चा सलामत रहे जा। खैर भाई का बार्गेनिंग का तरीका तो काफी सॉलिड था इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कई लोगों ने बंदरों या फिर कुत्तों की गैंग को जरूर देखा होगा जो एक साथ मिलकर अपने खाने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए अक्सर हमला कर देते हैं। वैसे ही एक और गैंग इन मेंढकों ने भी बना डाली और सभी ने मिलकर इस फोन को हड़प लिया जिसे ये किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। लगता है इन पर फोन का नशा सवार हो गया है जिस कारण ये अभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये मॉडल तो बदलो। फोन को हाथ लाओ लगो। रट रट। अरे पापी छोड़ उसको। दोस्तों बंदर मस्ती करते हैं ये बात तो हमें पता थी लेकिन इस बंदर ने तो हद ही पार कर दी। वो कैसे? आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक बंदर दूसरे बंदर की पप्पी लेता है। इसके बाद सामने वाला बंदर रोने लग गया और जब उसके मम्मी को ये बात पता चली तब मम्मा ने उसे पकड़ कर कहा और ऐसा व्यवहार करने लगी मानो वो उस बंदर से पूछ रही हो कि क्या रे मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया तूने? बताऊं क्या तेरे मम्मी को? आई लव यू। क्या बोलती है तू? हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियाँ फोड़। भाई 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 निकल ऐसे। आपके घर में यदि आपने कुत्ते या फिर बिल्ली इन दोनों को कभी भी साथ में पाला है तब आपको ये बात जरूर पता होगी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितनी मस्ती करते हैं और साथ ही इन दोनों में लफड़े भी होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बिल्ली पानी में जाने से खुद को बचा रही है और सामने ये दो कुत्ते इसे वहाँ से बाहर ही आने नहीं दे रहे। बिचारी बिल्ली भी कह रही होगी यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम दोनों को मस्ती सूझ रही है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता? आपने रकून्स को तो देखा ही होगा जो हर वक्त खाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं फिर चाहे किसी का खाना चुराना ही क्यों ना हो ये पीछे हटते नहीं। लेकिन यहाँ पर इस बेचारे रकून के साथ तो प्रैंक हो गया। यहाँ पे इसे एक कॉटन कैंडी मिली जिसे खाने से पहले भाई ने सोचा कि क्यों ना इसे पानी में साफ किया जाए लेकिन ऐसा करके तुरंत बाद कैंडी पानी में ही पिघल गई जिसके बाद बेचारा रकून यही सोच रहा होगा कि यार कैंडी अभी तो यहीं पे थी अचानक से कहाँ चली गई। ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਮੇ बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए और यही फॉर्मूला जानवरों में भी लागू होता है जिसका उदाहरण आप सभी इस क्लिप में देख सकते हैं जिसमें एक बिल्ली इस घोड़े के इलाके में घुस गई जिस वजह से घोड़े भाई ने उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहा। घोड़ा कह रहा होगा अब तू मेरे घर में क्या कर रहा है चल निकल यहाँ से। लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। ए, चले चल वन टू का फोर चल निकल यहाँ से चल।
कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खेल खेल के चक्कर में सामने वाले जानवर से पंगा ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बिल्ली इस पैरट के साथ बैठ गई और पैरट भाई बिल्ली के पूंछ के साथ खेल रहा था कि तभी उसने बिल्ली के पूंछ को काट लिया। इसके बाद बिल्ली ने भी जोरदार उसे घूसा मार दिया जो कह रही होगी ए तोते अपना काम करना। कुछ ना कुछ करते रहता है। यहाँ पे ये बेबी लायन इस बंदर के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो डर गया। उसके बाद बंदर का भाई आया और अपना कराटे कर्तव्य दिखाने लग गया। इसके बाद बेचारा बेबी लायन भी डर गया। वो तो बेचारा बस खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। खैर अपने भाई के लिए इतना प्यार देखकर ही ये वीडियो काफी अमेजिंग लग रहा है। क्यों सही कहा ना, शिप हमेशा से ही सामने जो दिखे उस पर अपनी टक्कर बरसा देती है। ठीक वैसे ही उसने इस कुत्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही किया और बेचारा वो कुत्ता वहीं पर बैकफ्लिप करते हुए लुढ़क गया जो अभी भी यही सोच रहा है कि मैंने क्या किया और इसने मुझे क्यों धोया। सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। वो सब छोड़ो, मेरे को धक्का किसने मारा? मैंने नहीं मारा। जानवरों को खाना देना बड़ी अच्छी बात होती है जो कि करने ही चाहिए, लेकिन इन्हीं जानवरों में बंदरों को खाना देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन्हें खाना दो या फिर ना दो ये मस्ती तो करते ही है। जैसे कि यहाँ पे ये भाई इस बंदर को केले दे रहा था लेकिन ये महाशय बंदर की फिरकी लेने के लिए जानबूझकर उसे एक एक करके केले दे रहा है जिस वजह से बंदर भाई साहब का पारा चढ़ गया और उसने गुस्से में ही केले को फेंक दिया जो कह रहा होगा कि खाना दे रहा है या खेल रहा है। खाने का केला खाने का तेरे को ऐसा करेगा? अपना फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। जंगल में कई जानवरों का शिकार किया जाता है और शिकार करने वाला शेर या फिर चीता ही होता है जिसे देखते ही बाकी के जानवर दूर भाग जाते हैं, लेकिन इस क्लिप में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शेर इस डियर के पीछे दौड़कर उसे पकड़ लेता है जिसके बाद सभी को यही लगेगा कि अब सब यहीं पर खत्म हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर एक बफेलो आती है और बफेलो को देख वहाँ से शेर भाग गया और उस बफेलो ने डियर को भी वहाँ से भागने के लिए कहा। ये जंगल में होने वाला सबसे रेयर मोमेंट है। वैसे अभी तक आपने डांस करते हुए कुत्ते या फिर बिल्ली को देखा ही होगा, अब जरा आप इस बर्ड को भी देख लो जो अपने अजीब डांस का जलवा फीमेल बर्ड को दिखा रहा है जिसका डांस देखकर फीमेल बर्ड भी शायद यही सोच रही होगी कि ये इसने कौन सा चूरन खा लिया जो ये इतना अजीब डांस कर रहा है। खैर देखा जाए तो असल में ये चिड़िया अपने फीमेल पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा डांस करते हैं। तेरे साथ मैं लुका छुपी खेलूंगा। दोस्तों हमारे इस अगले वीडियो में एक कोबरा सांप शांति से अपने रास्ते निकल रहा था कि वहाँ पर उसे एक मैनगूस दिख गया और फिर ये मैनगूस उससे लड़ाई करने लग जाता है। इस लड़ाई के आखिर में कौन जीता वो तो हमें नहीं पता, मगर देखकर तो यही लग रहा है कि सांप की भी मैनगूस को देखकर फटने लग गई है। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।